सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज बीजेपी नेता चिन्मयानंद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चिन्मयानंद बिना कपड़ों के एक लड़की से मसाज कराते नजर आ रहे हैं। हालांकि द फ्रंट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में चिन्मयानंद लड़की से अश्लील मांगे करते नजर आ रहे हैं और लड़की चिन्मयानंद की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। चिन्मयानंद लड़की से उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो उससे बोल रहे हैं कि कोर्ट जाया करो जिससे कोर्ट की प्रोसीजर का पता चले। इनकी बातों को सुनकर लग रहा है कि लड़की लॉ की स्टूडेंट है। अब सवाल ये उठता है कि चिन्मयानंद की अश्लील मांग से परेशान होकर अपनी जान की परवाह किए बिना उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली शाहजहांपुर की लड़की अकेली है या ऐसी पीड़िताओं की फेहरिस्त है। सवाल ये भी कि साधु के भेष में बेटियों के साथ शैतानों की तरह आचरण करने वाले राम रहीम, आशा राम बापू, रामपाल के बाद चिन्मयानंद आखिरी संत होंगे या लिस्ट अभी लंबी है। सवाल ये भी है कि आखिर चिन्मयानंद को लेकर मोदी सरकार और योगी जी चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे रक्षक के भेष में भक्षक होंगे तो हमारी बेटियां कैसे बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी? सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।